अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जर्मन ग्रामर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इसमें ऐसा है कि इसके रूल्स हैं, जैसे इंग्लिश में हम किसी भी लफ्ज के लिए आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द स्कूल है, द रेलवे स्टेशन है, तो इंग्लिश में तो एक ही है टी एच ई द, लेकिन इनके लिए काफ़ी सारे हैं। मसलन दया, ये जो पहला ऊपर देख रहे हैं दया, इसे दर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो दया जो है वो जितने भी मेल चीज़ें हैं इसमें नीचे आप देखें, मेल पर्सन हो गए, मेल एनिमल हो गए, डेज नेम ऑफ डेज हो गए, मंथ्स हो गए, सीजन्स हो गए, इन सब के लिए आप दर यूज़ करते हैं। इसी तरह से दी है नेक्स्ट, उसमें है कि जितनी भी फीमेल पर्सन है उसके लिए, फीमेल एनिमल्स के लिए, नंबर्स के लिए, केमिकल्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, और इसके साथ साथ नीचे जो नाउन एंडिंग है, यानी ऐसे नाउन जिनके एंड पर आई एन आ रहा है, ए आ रहा है, ए एन जेड, ई आई, इस तरह से ऊपर वाले में भी, मेल पर्सन वाले में भी नाउन एंडिंग जिस तरह से जो आ रहा है उसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी नीचे थोड़ी सी हम डिटेल भी देखेंगे। और तीसरा लफ्ज़ जैसे दस है, ये न्यूट्रल जितनी भी चीज़ें हैं इनमें टाउन आता है, कंट्रीज मुल्कों के नाम हो गए, प्रोवेंसेस हो गए, कलर्स हो गए, इन्फिनिटिंग यूजेस ऑफ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और नाउन में एंडिंग में शेन है, आई सी एच टी है, आई एल एस से। अच्छा, इस तरह से अब इसके नीचे अगर आ जाएं तो थोड़ी सी हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, जो हमने ऊपर देखा था, जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ मीनिंग। तो इसमें मस्कुलर जो चीज़ें हैं ये मस्कुलन चीज़ें हैं, दर जिसके लिए यूज़ होता है, टाइम ऑफ डेज है, टाइम ऑफ ईयर है, मंथ्स एंड डेज ऑफ वीक्स हैं। इसमें डिटेल में बताया गया, जैसे मॉर्गन सुबह के लिए भी आप इसे दर यूज़ कर सकते हैं, दया मॉर्गन, और दया मिट्टॉग है, दया आबंद है, दया फ्रूहलिंग है, बहार के लिए यूज़ होता है, मौसमों के लिए, जोमर के लिए समर है, यानवर फेबर माउंटॉग है, डिनस्टॉग। हाँ, इनमें एक्सेप्शन जो है इन चीज़ों को छोड़ देने हैं, अगर आपने नाख्ते लगाना है उसके साथ दर नहीं लगाना, उसे दी लगेगा, दी नाख्त रात के लिए है, सर दी मित्ते नाख्त है, यानी मिडल ऑफ द नाइट, मिड नाइट, तो इसके साथ दी लगेगा। हाँ, ऊपर जो अल्फाज सारे बताए उनके साथ दर लगेगा। इस तरह से डायरेक्शन इसमें यूज़ होती हैं, जूदन यानी साउथ साइड पे आप यूज़ कर सकते हैं, दिया जूदन, दिया नॉर्थ, और दिया ओस्टर्न, दिया वेस्टर्न, इस तरह इसमें यूज़ होंगे। वेदर रिलेटेड जैसे दिया हुरिकान है, दिया मॉनसून है, दिया रेगन, दिया शने और दिया वाइंड, तो ये इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एक्सेप्शन है, इसमें आइस के लिए दस लगाएंगे, और या कालते उसके लिए भी दी लगाएंगे, कोल्ड है दी हिट से, हीट के लिए भी दी लगाएंगे, तो आप ये भी ख्याल रखना है कि जो एक्सेप्शन है इनको अलग रखना है, और जो नॉर्मल यूज़ हो रही है वो ऊपर लिखी हुई है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में कोनियक है, दिया कोनियक, दिया रम, दिया वाइन वगैरह है। इसी तरह से इसकी जो एक्सेप्शन है नीचे, वो बियर के साथ अलबत्ता आपने दस लगाना है। हाँ, अलबत्ता नीचे जो कारें हैं उनके ब्रांड्स हैं, आर डी है, दिया आर डी, दिया फीएट और दिया फोर्ड वगैरह, इन सब के साथ दिया लगेगा। अब नीचे आ जाएं, फेमिनन जो है उसके साथ दी है। इसे मोटरसाइकिल ब्रांड्स जितने भी आ जाते हैं, जैसे होंडा है, कावासाकी, यामाहा वगैरह, इन सब ब्रांड्स के साथ भी दी लगाएंगे इनके साथ। और नीचे जो नेम्स ऑफ शिप्स हैं, टाइटैनिक है, क्वीन है, क्वीन एलिजबेथ है, इस तरह से इनके साथ, सिगरेट के नाम के साथ भी आप लगा लेंगे दी। और नंबर ऑफ नंबर्स यूज्ड एज नाउन, दिस वाई, दी हंड्रेड, दी मिलियन, इन सब के साथ आप दी लगा सकते हैं। जो न्यूट्रल हैं उनके साथ दस है, नेम ऑफ कलर्स है इनके साथ आप लगा सकते हैं, ब्लू है, रोज़ा रोट है, और शिने वाइस है, इस तरह से इनके साथ आप लगा सकते हैं दस। ये तो था इसका मेन, जो मैंने इनके ऊपर वाली लाइन के हिसाब से बताया, जिसमें मेल पर्सन, फीमेल पर्सन और न्यूट्रल के बारे में वो बताया गया। अब इनके नीचे जो अल्फाज लिखे हुए थे, जैसे नाउन के साथ एंडिंग है जो अल्फाज हैं उनकी डिटेल देख लेते हैं, नाउन एंडिंग वाली नेक्स्ट पेज पे है, जिसमें मैस्कुलन है, जितनी भी मेल चीज़ें हैं उनके अल्फाज जो ऐसे लफ्ज़ जो एंड पर ए एन टी आ रहा है या ई एन टी आ रहा है, अभी नीचे इसकी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे एमिग्रांट है,
तो इसका इमिग्रेंट इसका मीनिंग है। तो इस तरह से ये लफ्ज़ सारे जितने भी आ रहे हैं इसके नीचे आई सी है जिसके लफ्ज़ के एंड में आता है, ये जैसे फिर सिखा रहा है यानी पीच के लिए यूज़ होता है, एंड पे आई सी एच आ रहा है, तो ये सारे मेल हैं। जिन लिंग जिनके नीचे आ रहा है आई एस एम यू एस आ रहा है, नीचे आई एस टी आ रहा है, ओ आर आ रहा है, ई आ रहा है, और ये सारे अल्फाज हैं ना ये सारे मेल के लिए यूज़ होंगे। इसी तरह सामने देख लें फेमिनन है, फेमिनन दी के लिए यूज़ होता है, उसमें एंड पर अगर ई आ रहा है, और जैसे फाहने फ्लैग के लिए यूज़ होता है, नासे नोज के लिए यूज़ होता है, तो एंड पे ई अगर आ रहा है तो डी के लिए। हाइट है नीचे, काइट है, ऊंग है, यू एन जी है, आगे एस सी एच एफ टी है, आई ई है, और ए एन जेड है, ई एन जेड अल्फाज के एंड पर अगर आ रहा है, आई के आ रहा है, तो ये सारे फीमेल के वर्डिंग है। नातूर वाले हैं जो न्यूट्रल के लिए यूज़ होते हैं, उनके एंड पर शन आ रहा है, एल ई आई एन आ रहा है, मियाचिन जैसे हो गया, और इससे नीचे एम ई एन टी है, टी यू एम है, ऊ एम है, तो इस तरह से ये सारे न्यूट्रल में हैं। यानी कि ऐसे लफ्ज़ जिनकी पहचान आप उसके एंडिंग से कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल वर्ड है।